मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें घरेलू हिंसा को लेकर कठोर कानून बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि घरेलू हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार घरेलू हिंसा को लेकर बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह, डीजीपी विवेक जौहरी सहित गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घरेलू हिंसा गंभीर चिंता का विषय है, सभ्य मानव समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। शिवराज ने कहा कि अगर घरेलू हिंसा में अंग भंग किया जाएगा या हाथ पैर काटे जाएंगे, ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में 307 की धारा के ऊपर की धारा लगाने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा जो ऐसे अपराध करेगा उसको कड़ी सजा का प्रावधान तो किया ही जाएगा, लेकिन सरकार का प्रयास घटना ना हो, घटना में पीड़ित महिलाओं को वेलकेयर स्कीम के तहत उनकी मदद करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा महिलाओं के साथ महिला डेस्क बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की सुनवाई महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। घरेलू हिंसा को रोकना बेहद जरूरी है। घरेलू हिंसा लाइव कट रहा है, अरे तो कुछ नहीं भेजा मैंने। सभ्य मानव समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में जो 3 हृदय विदारक घटनाएं हुई है उसके कारण मैं सोचने पर बाध्य हुआ। सरकार ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठ सकती। मैंने आज एक विशेष बैठक बुलाई और बैठक में 3 निर्देश मैंने दिए हैं जिस पर काम होगा। एक तो परिवार के द्वारा, पति के द्वारा हाथ काटना या कोई भी अंग भंग करना, इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आती है कि नाक काट दी, कान काट दिए। हमारा समाज ऐसा बर्बर नहीं हो सकता और ऐसी बर्बरता की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए अगर अंग भंग कोई करता है, पति करता है, तो मैंने कल भी कहा था वो विश्वास का खून है, रिश्तों का खून है, इसलिए उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। अभी 307 के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी झगड़े के कारण हाथ पैर कटे वो अलग बात है, और पति ही ले जाके काट दे वो तो जघन्यतम अपराध है। इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि 307 से बड़ी धारा का हम प्रावधान करें और ऐसे मामले में ऐसी सजा हो के एक समाज में मैसेज जाए कि ऐसी घटना अगर किसी ने की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। 307 तो दूसरा काटता तो भी लगती है। इसलिए इस जघन्यतम अपराध के लिए बड़ी सजा क्या हो सकती है इस पर वर्कआउट करेंगे, लेकिन अगर ऐसी घटना कोई घटती है तो एक वेलफेयर स्कीम इसके लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तीनों बहनों को देने का हमने फैसला किया है, लेकिन एक वेलफेयर स्कीम जिसमें उनकी जिंदगी ठीक से गुजर सके उसको बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर सामान्य घरेलू हिंसा में भी संवेदनशीलता पुलिस के अंदर बढ़े। अभी कुछ मामले में FIR नहीं, DIR होती है, महिला बाल विकास के पास जाते हैं, लेकिन कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो गंभीरता से लेके प्रभावी कार्रवाई करें, मैं इनको चिन्हित अपराधों में शामिल कर रहा हूं और हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे कि ऐसे मामले में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।